हैं गुजरात में सूरत का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर चुके हैं और इस समय अब उनका पूरा काफिला पहुंच रहा है बाजीपुरा, जहां पर वो सुमुल मिल्क यूनियन की जो एक सुमुल डेयरी के कैटलफील्ड प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वो वहां पे एक आइसक्रीम प्लांट के भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ कई सिंचाई की परियोजनाएं हैं जो वो आज एक तरह से किसानों को सौगात के रूप में वहां से उसकी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री का दो दिवसीय दौरा कल उनके मेगा रोड शो के साथ शुरू हुआ, जिसमें आज सुबह से ही लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो जारी है, जिसमें उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, उसके बाद फिर एक डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन उन्होंने वहां पर किया है और इस समय अब वो पहुंच रहे हैं सुमुल डेयरी प्लांट, जहां पर वो यहां पर एक कैटलफील्ड प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी सूरत से जब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने उस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के बाद सीधे लोगों से कहा और दवा कंपनियों पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रहार करते हुए कहा कि महंगी दवाओं से लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। इस पर उन्होंने केंद्र द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य नीति का भी जिक्र करा और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कई सरकार कई ऐसे कदम उठाने वाली है जो आम लोगों से जुड़े होंगे, जिसमें उन्हें दवाएं सस्ती मिलेंगी और खासकर उस महंगे इलाजों के लिए दवाई सस्ती मिलेगी जो एक गरीब आदमी नहीं करा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दो दिन का जो प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा भी है, इसमें भी जो परियोजनाएं हैं, चाहे आज सुबह के जो दो उद्घाटन उन्होंने करे वो, या फिर अभी जो वो सुमुल डेयरी के कैटलफील्ड प्लांट के लिए जा रहे हैं, ये सभी जो योजनाएं हैं वो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। इसके आगे भी जब वो जाएंगे तो वो सोनी वो जो परियोजना है उसका उद्घाटन करेंगे, वो भी किसानों से जुड़ी हुई है, जिसमें किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उस परियोजना से। वो उसका वो दूसरा चरण है, चार चरणों की वो परियोजना है। आप देख रहे हैं सीधे इस समय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सुमुल डेयरी के कैटलफील्ड प्लांट की तरफ, जहां वो कैटलफील्ड प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात की जनता हमेशा ही प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में पाकर खुश होती है। ये हमने देखा कल जिस तरह से मेगा रोड शो रहा प्रधानमंत्री का, लाखों की संख्या में लोग उमड़े सड़कों पर उनसे मिलने के लिए। दूरी थी जनता से थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री अपनी उस गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे थे, लोगों को धन्यवाद दे रहे थे, और उसी जोश और खरोश के साथ लोग भी अपनी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, चाहे वो हाथ हिलाना हो, नारे लगाना हो, या फिर उनकी मौजूदगी से जो खुशी थी जनता को वो दिखाई दे रही थी। आप इस समय देख रहे हैं प्रधानमंत्री सुमुल डेयरी के कैटलफील्ड प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं यहां से। इस समय प्रधानमंत्री बाजीपुरा में हैं, जहां पर ये सुमुल डेयरी का कैटलफील्ड प्लांट है जिसका उद्घाटन उन्होंने अभी करा है, और यहीं पर वो एक आइसक्रीम प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कई सिंचाई योजनाओं का भी शुरुआत करेंगे, उनका भी घोषणा करेंगे, और इस समय ये सुमुल डेयरी प्लांट के कैटलफील्ड प्लांट के बारे में वहां के जो आयोजक हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग उन्हें उसके बारे में समझा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और हमारे साथ बाजीपुरा से जुड़े हैं हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सुमुल डेयरी का जो कैटलफील्ड प्लांट है, इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी किया, इससे किस तरह की सुविधाएं वहां के लोगों को मिलने वाली हैं? देखिए ऋतु, अभी तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचे हैं। उन्होंने जो सुमुल प्लांट था वो
मेटल स्टील का प्लांट था उसमें इनोवेशन किया है। कई और भी जो है प्रोजेक्ट है जो सुमूल का जो यहाँ पे अभी लॉन्च होने वाला है उसको जो है सेवा तरीके से वहाँ इनोवेशन होगा। अभी जैसा कि अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि कितना महत्व रखता है इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले हम आपको दक्षिणी गुजरात का ये जो क्षेत्र है तापी जिला है, तापी जिला कहते हैं, सूरत से करीब 7 किलोमीटर दूर पर स्थित यह जिला है। पशुपालन और कृषि जो है वो यहाँ पे रोजगार का मुख्य आय है। करीब 80% लोग जो है वो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे जो है वो पशुपालन और कृषि से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे में जब दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो दूध जहाँ से आता है कहीं ना कहीं मवेशियों को उस तरीके से किस तरीके से तकनीक के जरिए, वैज्ञानिक तकनीक के जरिए मवेशियों का ख्याल रखा जाए, उनको उनकी सेवा की जाए, या फिर उनके जिस तरह के आहार होते हैं उस पर ध्यान दिया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गुजरात का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो यहाँ पे है, न केवल ये रोजगार के नए आयाम खोलेगा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि अगर हम पूरी तरीके से हम गुजरात की बात करें या राष्ट्र की बात करें तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, जब नरेंद्र मोदी जब सिंगापुर के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि सिंगापुर जो है वो गुजरात से आया हुआ दूध जो है वो वहां पे मिलता है। ये उनका काफी चर्चित हुआ था ट्विटर पे के सिंगापुर के लोग थे जो कहीं हमारे परिचित थे सिंगापुर के, उन लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। एक उम्मीद जगी थी लोगों में कि कहीं ना कहीं जो क्रांति निकली है श्वेत क्रांति, कहीं ना कहीं जो है उसको एक अगले आयाम तक, नेक्स्ट फेज तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश गुजरात में चल रही है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा जो है ये देख सकते हैं। अभी देखिए ये अगर हम सिर्फ इसकी अगर हम बात करें जो सुमूल का जो यहाँ पे कैटल फीड प्लांट है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 प्लांट जो है उसके और भी इनोग्रेशन जो है वो होने हैं। मतलब आने वाले दिनों में जो है ये प्लान किया जा रहा है कि बेकरी प्लांट बनेगा, इसके अलावा मध जो होता है जो हम मधुमक्खी से जिसका उत्पादन होता है उसको जो है उसको बृहद तौर पर जो है उसके लिए कई सारे कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। सिंचाई को लेकर यहाँ पे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट जो है जिसकी यहाँ पे नींव डाली जाएगी। तो एक जो सिंबॉलिक के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, जिससे भारत की ज्यादातर आबादी निर्भर है, जहाँ ज्यादातर रोजगार जो है, अगर हम मंझोले उद्योग की अगर हम बात करें जो कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट से निकल के आती है, भारत डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है, उसको बल देने के लिए, एक नई दिशा उसको दिखाने के लिए जो है वो एक पहल है। इसके अलावा जो है इसके बाद के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद एक बाजीपुरा ग्राउंड है जहाँ करीब 3 लाख की संख्या में जो है महिलाएं भी उपस्थित हैं। हम लोग सुबह से यहाँ पे देख रहे थे अलग अलग परिधानों में, गुजरात के स्थानीय परिधानों में, आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा, थोड़ी देर में जब वहाँ पे संबोधन होगा तो काफी हम कह सकते हैं कि उत्साहजनक दृश्य जो है वो यहाँ पे है। महिलाएं, हालांकि यहाँ का तापमान अभी काफी ज्यादा है, गर्मी काफी ज्यादा है, लोगों के चेहरे पे पसीना आप साफ देख सकते हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में वहाँ पे महिलाएं आई हैं, लाल पीले हरे हर जगह का, जिस क्षेत्र से आई हैं उस जगह से हम एक तरह का यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं उस यूनिफॉर्म में वहाँ पे आई हैं। काफी अनुशासित तरीके से बहुत ही वृहद पंडाल बनाया गया है जो हमने सुबह दूरदर्शन पे अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि क्या क्या इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। अब सबकी नजर रुकी हुई है कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्या संबोधन करेंगे, किस तरीके से वहाँ स्थानीय लोगों से संपर्क करेंगे, क्योंकि गुजरात के ही है नरेंद्र मोदी, यहाँ काफी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा की है, प्रधान सेवक के तौर पे जाने जाते हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश इनको प्रधान सेवक के तौर पर देखता है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर महिलाओं को संबोधित करना, उसमें भी दूसरी खास बात ये कि आदिवासी महिलाओं को संबोधित करना, कहीं ना कहीं ये जतलाता है कि जो उनका नेता है, जो मास लीडर है, वो उन सब चीजों को, जो चीजें हाशिए पर रही हैं अब तक आजादी के बाद से, अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण हुआ एक हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जो कि छूट गए, जो कि पिछड़ते चले गए, उनमें कई सारे रहे, जैसे वाटरवेज हम देख सकते हैं, वाटरवेज में अभी जो नितिन गडकरी के मंत्रालय है वहां भी जिस तरीके से काम हो रहा है, अलग अलग क्षेत्र, लोकल इलेक्ट्रिफिकेशन में जिस तरीके से फ्यूल ऑयल काम कर रहे हैं, उसी तरीके से कई ऐसे क्षेत्र थे जो छूट चुके थे, उस हाशिए पर पड़े क्षेत्र को किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरीके से विकास में सबका साथ सबका विकास, ये जो अवधारणा है इसको किस तरीके से साकार किया जाए, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसी का एक नमूना, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा असर जो है वो इस वक्त गुजरात में देखा जाए। दक्षिणी गुजरात में काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में,
अगर उत्साह की बात करें तो देखिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गुजरात में सुखी नरेंद्र मोदी हैं इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों कोल्हापुर में जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, हम वहां पे थे। कई जगह ऐसी बातें आई है कि जब नरेंद्र मोदी मंच संभालते हैं तो लोगों के बीच से मोदी मोदी का जो गुंजन होता है, जो आवाजें आती है, जो नारेबाजी आती है, वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहती बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं, भारत विविधताओं का देश है, राज्य आधार पे, भाषा आधार पे, कई आधार हैं जिससे विविधता है हमारे बीच में, जो यहाँ की खूबसूरती है, कहीं ना कहीं जो है सबके साथ संपर्क करने की जो कला है वो नरेंद्र मोदी में है। और यह हर जगह दिखता है, गुजरात में इतने विशेष तौर पर देखता है क्योंकि गुजरात ने नरेंद्र मोदी को काफी करीब से देखा है, उनकी पूरी राजनीति यहाँ से रही है, राजनीति की आधारशिला यहाँ से रही है, कई अच्छे बुरे दौर से वो यहाँ पे गुजरे हैं, कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर यहाँ के नीचे तक उनकी पकड़ है। और इसी का असर हम देख सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में, दक्षिणी गुजरात की इतनी भीषण गर्मी में यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत कर रही हैं। इनमें हर तरह की महिलाएं हैं, जो अशिक्षित महिलाएं भी हैं, जो महिलाएं पूरी तरीके से कृषि क्षेत्र में है, काफी नीचे तबके में है, वो है ट्रक से पूरी तरीके से ट्रक और बस जो है खचाखच भरा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आसपास के इलाकों में घूमने के लिए निकले थे, नब्ज तक उड़ने के लिए निकले थे लोगों का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सड़क है वो एक तरह से जाम की स्थिति है, लेकिन गुजरात के प्रशासन को यहाँ पे धन्यवाद करना होगा, इस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया गया है कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की तकलीफ कम से कम नहीं हो रही है, और जो लोग हैं उनमें इस तरह का उत्साह जो है वो सीधे तौर पर और स्पष्ट तौर पर हम जो है वो कह सकते हैं कि वो यहाँ पे देखा जा रहा है। जी योगेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार रहता है, वो जिस राज्य में भी जाते हैं जब भी लोगों से मिलने के लिए, और गुजरात उनका गृह राज्य है, यहाँ के लोगों को वैसे भी प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तता से, जो उनका अपना नेता अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक समय, उनसे मिलने के कम अवसर मिलते हैं, और वो उत्साह दिखाई देता है जो कल रोड शो में भी दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमूल डेयरी के कैटलफील्ड प्लांट का उद्घाटन करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं। बाजीपुर में वो एक सभा को संबोधित करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश बता रहे थे कि बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, और सबका इस समय आकर्षण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाजीपुर में लोगों को संबोधित करेंगे, तब वो महिलाओं के लिए या आम जनता के लिए किन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो हम आपको लगातार उन खबरों